बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत करम फजल शुक्र के साथ आजकल करते हैं शुरू। अगर का मैं चैनल बने हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और तो वीडियो लाइक नहीं किया को लाइक कर देगा, शुक्रिया। आज जी इस वीडियो के अंदर मेरे पास जो माइक है ना, हम लोग वो टेस्ट करेंगे। मेरे पास ना दो माइक हैं, बोया के, दोनों बुया या बोया जो भी है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही बताना कि क्या होता है बुया या बोया। फर्स्ट बुया और सेकंड बोया, तो आप लोग कमेंट में फर्स्ट सेकंड का बताना कौन सा सही होता है। तो खैर एक होता है लंबी वायर वाला छोटा सा माइक होता है जो अक्सर लोग यहाँ पर लगा के ना बोलते वगैरह हैं। एक होता है इंटरव्यू वगैरह लेने के लिए होता है, उसके अंदर आवाज़ ज़्यादा नहीं आती, मगर जो पीछे शोर वगैरह होता है ना वो नहीं आता, सिर्फ जो आप बोल रहे होते ना वो आवाज़ क्लियर आती है। आज हम लोग दोनों माइक टेस्ट करेंगे। दोनों माइक के लिए मेरे पास दो चीज़ें हैं जिनसे टेस्ट होगा, वो आप लोगों को पता लग जाएगा इसी वीडियो में। बस आप लोगों ने वीडियो में साथ जुड़े रहना है। एक माइक तो मैं ले आया हूँ, मेरी आंखों के सामने पड़ा हुआ है, अभी दूसरा माइक लेने चलते हैं, साथ वाले कमरे में पड़ा हुआ है और दिखाते हैं आप लोगों को। ये चेक करें, ये पड़ा हुआ है और उसकी हालत देखें क्या हुई हुई है। शॉपर के अंदर है और अंदर है डब्बे के अंदर है। ये देखें, ये वाला माइक है एक, और दूसरा दिखाता हूँ आप लोगों को कौन सा है। इसको भी साफ़ करके ना कमरे में ले चलते हैं, इसको खोल लेते हैं या शॉपर को उतार देते हैं, अकेला डब्बा ले चलते हैं, डब्बा साफ़ ही होगा। ये देखें, ये आ गया, लाइट बंद करके लाइट ऑन करते हैं, और ये आ गया जी हमारे पास माइक। कैमरे को कर दिया जी सामने सेट, बस आप लोगों को दिखाने के लिए। ये आ गया जी हमारे पास एक माइक बोया का, बोया ही है हाँ मेरे ख्याल में, और दूसरा माइक है ये वाला, ये जिसकी लंबी सारी तार होती है ना, ये वो वाला है, और जिसके अंदर ये वाला भी होता है, ये वाला एक होता है वो आप लोगों को दिखा दूँगा वो किस तरह का होता है। एक माइक होता है ये वाला, ये इसके अंदर ना कोई चक्कर नहीं होता, बस ये सामने ये होता है, इसके ऊपर फोम लगा था वो गुम हो गया। ये होता है अकेला माइक, और पीछे ये है हैंड फ्री वाला होता है जो पोर्ट करते हैं बाइक के अंदर, और ये फर्क होता है, इससे कोई वीडियो रिकॉर्ड मतलब कि वॉइस ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होती, कोई चक्कर नहीं होता। जिसके अंदर लगा होता है ना ये वाला, ये थोड़ा सा महंगा आता है, ये 1200 रुपये का आता है। अगर आप लोगों ने लेना है तो आप ले सकते हैं, पर ये वाला लीजिएगा, ये लीजिएगा जिसके अंदर ये वाला हो, जिसकी लंबी सारी वायर हो, ये वायर भी सेट करनी पड़ेगी, जिसके अंदर ये इस तरह हो ना सिंपल तार हो और ये चक्कर हो, ये ना लीजिएगा बिल्कुल भी, 250-300 रुपये का मिलता है, पैसे ज़्यादा वाली बात है। मैंने इस तरह के 5-6 लेके रखे हुए हैं, अभी भी अंदर पड़े हुए हैं और किसी काम के नहीं है। ये है जो अच्छा माइक है, और उसके बाद अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको खोलते हैं, इसके अंदर जो माइक है ना वो आप लोगों को दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ये चेक करें, आए आए ये चेक करें, ये माइक एक गेरा, और अब इसको मैं आप लोगों को सड़क दिखाता हूँ। ये इसके ऊपर गुड्डी के बाल लगे हुए हैं, और इसके नीचे ना ये वाला माइक है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये माइक है। इसके नीचे यहाँ तार लगती है और एक तार लगती है मोबाइल के अंदर, अगर कैमरे में लगाना है तो कैमरे में भी लग जाता है, पर कैमरे के अंदर भी इसकी एक तार लगती है। और ये भालू के बाल हैं, ये ऊपर चढ़ जाते हैं इस तरह करके इसके, ये है पूरे का पूरा। उसके बाद एक इसके अंदर था ये जो थैली सी है आप लोगों के सामने, इसके ऊपर भी बोया लिखा हुआ है, और इसको खोलते हैं, अब इसको खोलते हैं तो सामने एक नोटबुक मिलती है, और नोटबुक के ऊपर इसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी होती है, इसको कैसे यूज़ करना है और कैसे नहीं। और उसके बाद अब इसको खोलते हैं, इसके अंदर जो जो निकलेगा आप लोग दिखाते हैं। हाँ एक ये है, ये गुड्डी के बाल परे करिए सामने नजर आई, और ये है एक जो इस तरह करके ये लगता है स्टैंड के ऊपर, यहाँ से ये नीचे फिट होता है, स्टैंड का नट लगता है, और यहाँ पर इस तरह करके ना ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें, ये लग गया। अब ये इंच लगेगा स्टैंड के ऊपर, फिर ब्लॉगिंग के लिए काम आएगा। उसके बाद अंदर एक हमें नज़र आती है जी ये वाली तार, ये आ गई बाहर, ये देख सकते हैं, एक ये वाली केबल है, ये स्प्रिंग वाली लचकदार केबल, ये इस काम आती है मोबाइल के लिए अंदर लगाने के लिए, ताकि अच्छी लगे ये, एक तरफ से कैमरे में ये इस तरह लग जाए, कैमरा कह रहा हूँ, ये स्पीकर के अंदर ऐसे करके, और एक तरफ से लग जाए मोबाइल के अंदर। ये मेरे ख्याल में ना ये एक कैमरे वाली है, और ये जो है ना ये मोबाइल वाली है, ये देख सकते हैं, ये भी तार है एक, तो अब ये है, अब ये लगेगी मोबाइल के अंदर, तो फिर हमारा कैमरा रेडी हो जाएगा, फिर हम कैमरे के अंदर कुछ भी बोलेंगे। ये जैसे यहाँ पर है मूसा, ये मूसा यहाँ पर खड़ा हुआ, ये अगर पीछे से शोर करेगा ना और मैं अपन से बातें करूँगा तो क्लियर वॉइस आएगी, तो ट्राई करते हैं अब। मैंने जी इसका माइक की ना तार चेंज किया, पहले ना तार इसको गलत लगी हुई थी, अभी ना माइक से रिकॉर्डिंग हो रही है जो मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। अभी मूसा कुछ नहीं बोल रहा है, इधर सामने आके बोली, मतलब कि बोला इधर ताकि कैमरे के अंदर नज़र आए, तो ये कुछ भी बोलता रहेगा जैसे इसको मैं जब स्टार्ट कहूँगा, और तुमने बोलते जाने लगा तब तुम चुप नहीं करना जब तक मैं ना कहूँ, ठीक है ना। और मैं अपने जो मैं आप लोगों से कोई ना कोई बात करूँगा वो माइक के करीब आके। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और आप लोगों ने कमेंट में बताना कि वॉइस कैसी आ रही है। बस बस बस, तो आप लोगों ने कमेंट में बताना कैसी वॉइस आ रही है, सही आ रही है कि नहीं, तो इसको उतार के फूंक मार दें, इस तरह का आपने कमेंट में बताना है।
अभी मैं ना इसको ट्राई करता हूँ कि किस तरह का रिकॉर्ड हुआ, सही रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। मैंने इसको ट्राई किया, मूसा की आवाज़ तो करीबन उतनी उतनी आ रही है, पर ये है कि मेरी आवाज़ ज़्यादा आ रही है और मूसा की आवाज़ कम आ रही है। और अब ट्राई करते हैं जी हमारा ये वाला माइक जो 1200 रुपये का आया था ये वाला, तो अब इसको ट्राई करके दिखाते हैं आप लोगों को किस तरह की वॉइस आ रही है। इस माइक की तो तार ही इतनी बड़ी है, इसको तो जहाँ मर्जी ले जाओ, ये देख सकते हैं आप लोग इसके साथ कितनी ज़्यादा तार है। तो इसको टेस्ट करने के लिए मूसा तो नहीं है मेरे पास, पर मेरे पास एक और चीज़ है और मैं इतनी स्लो बोल रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, वो सारा इस माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोगों ने कमेंट में बताना है। और अभी मेरे पास है ये चावल, ये चावल जैसे मैं खाऊंगा ना जैसे खाते हैं वॉइस आती है निकलती है जो नेचुरल में पता लगता है, तो वो अभी आप लोगों को आएगी। तो मैं अभी खाता हूँ, ट्राई कर लिया किस तरह की आवाज़ आई है, कमेंट में लाजमी लाजमी बताना है। दोनों में एक टेस्ट हो गए हैं और इसको इतना करीब भी किया और बहुत स्लो बोल रहा हूँ, बहुत स्लो, बेशक मैं इसको यहाँ लगा लूँ नीचे रख लूँ बोलूँ स्लो, ये ना वॉइस को अपनी तरफ खींचता है कैप्चर करता है, तो ये चक्कर है इसका। इतनी VIP वॉइस आई है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मैं चावल ही खा रहा था और मैं साथ अपनी वीडियो देख रहा था जो मैंने अभी अभी रिकॉर्ड की है ना, ये बड़े माइक वाली, तो आप लोगों की वॉइस किस तरह की है कमेंट में लाजमी लाजमी बताइएगा। और अगर आप लोग कहेंगे ना कि कोई चीज़ खाओ और साथ वीडियो बनाओ माइक लगा के जिससे क्रिच क्रिच की फुल आवाज़ है, आप लोग कमेंट में लाजमी लाजमी एक बार ही कह देना मुझे, फिर मैं इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा। जब आप लोग कमेंट करते हो तो मैं मोटिवेट होता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। तो हमारा ये वाला माइक भी टेस्ट हो गया, ये वाला इसको रख देते हैं। और हमारा ये बुढ़िया का भी माइक टेस्ट हो गया, ये माइक है जब आप लोग पहाड़ों वगैरह पर जाएँ हवा चल रही हो ना तब ये वाला माइक काम आएगा। तो ये बिल्कुल न्यू है, मैंने यूज़ भी नहीं किया, अभी यूज़ भी नहीं करूँगा, ये वैसे ही रख दूँगा, सिर्फ आप लोगों को टेस्ट करने के लिए निकाला है। और जब हम कहीं टूर वगैरह करेंगे ना तो इंशाल्लाह साथ लेके जाएंगे और ये वाला माइक भी साथ लेके जाएंगे। इसके अंदर तो जो मर्जी करो ना तो इसकी सारी वॉइस आने लग पड़ती है, किसी को गाली दो ना दूर से कोई गाली दे रहा हो इसके अंदर सुनने लग पड़ती है, क्योंकि आप लोगों को बताया वॉइस को ना कैप्चर करता है अपनी तरफ। तो ये बहुत VIP माइक है, अगर आप टूर वगैरह करते हैं कहीं पहाड़ों वगैरह का तो फिर आप लोग लें ये वाला माइक। ये वाला माइक आप लोगों के लिए फुल बेस्ट है, हवा से बचाता है, ये जो कपड़ा है ना ये हवा से बचाता है। और अगर आप लोग करते हैं फूड चैलेंज वगैरह और कुछ भी इस तरह की चीज़ें तो फिर आप लें ये वाला माइक ताकि परले को छेड़ा भी तो जा सके, ये माइक बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग हमारा पूरा इसी माइक के साथ आएगा, आप लोगों ने बस कमेंट में मुझे बताना है कि मैं फूड वाली वीडियो बनाऊंगा ना जिसके अंदर फुल क्रिच क्रिच की आवाज़ आती है। तो खैर यही थी हमारी वीडियो, अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी ना स्कूल जाना भी है और मैं उठा हूँ सबसे पहले, मैंने ना उठ के एडिटिंग की है, अभी 7:30 हो रहे हैं मेरे ख्याल में, मैं 6:30 बजे उठा था और उठते साथ ही एडिटिंग शुरू कर दी थी मैंने, तो एडिटिंग कर ली है मैंने। और अभी मैं जाके फारिग हूँ, थंबनेल के लिए 2-4 पिक्चर्स वगैरह ली हैं ये देखे माइक के साथ, तो मैंने वीडियो एंड करनी थी, वीडियो एंड करने वाली रहती थी, बाकी सारी वीडियो तो मेरी बन गई है। तो ये थी हमारी वीडियो, इंशाल्लाह आज मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो वो इस माइक के साथ बनाऊंगा, छोटे वाले माइक के साथ जिसकी लंबी सारी तार है, वॉइस बिल्कुल क्लियर आएगी। तो खैर अपनी वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी लाजमी बताना है कि मैं फूड वीडियो बनाऊंगा ना, फूड वीडियो जिसमें कि बर्गर वगैरह होंगे पिज़्ज़ा वगैरह होंगे और मैं खाऊंगा, मज़ा आएगा। तो खैर मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।